दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारे घर के जो सीलिंग फैन होते हैं, इनमें जो कैपेसिटर्स लगे होते हैं, या फिर आपके घर में मोटर्स होती हैं, सिंगल फेस की होती हैं, थ्री फेस की होती हैं, उनकी मोटर की डायरेक्शन जो होती है, किस तरह से हम चेक कर सकते हैं। तो ये मेरे पास थ्री फेज़ रोटेशन टेस्टेड मीटर है, जिससे हम थ्री फेज़ की क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन को देखते हैं कि ये इस वक्त क्लॉक वाइज घूम रहा है या फिर एंटी क्लॉक वाइज घूम रहा है। तो आज हम इस सीलिंग फैन के कैपेसिटर के क्रॉस हम वोल्टेज चेक करेंगे, कितने वोल्टेज होते हैं। तो इस सीलिंग फैन को वैसे भी हम कहते हैं टू फेज वाइंडिंग मोटर होती है। टू फेज का मतलब होता है कि इसके अंदर दो फेज होते हैं, वो उन दोनों फेज के दरमियान डिफरेंस होता है 45 डिग्री का। लेकिन जो थ्री फेज होते हैं, उन दोनों फेज के दरमियान डिफरेंस होता है 120 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। लेकिन ये मीटर फेज डिफरेंस को नहीं देखता, लेकिन ये बताता है कि कितने फेजेस हैं, दो फेज हैं। तो हमें बता सकता है कि इस वक्त ये पंखा क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं, किस तरह से हम इसके वोल्टेज चेक कर सकते हैं, इसका करंट चेक कर सकते हैं, इसकी रोटेशन को डिफाइन कर सकते हैं। अक्सर इंटरव्यू में बात की जाती है कि जो सीलिंग फैन होता है उसके क्रॉस कितने वोल्टेज आते हैं, उसके जो कैपेसिटर होता है, उसके उसके जो दोनों टर्मिनल होते हैं, रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल, इनके दोनों के क्रॉस कितने वोल्टेज आते हैं। और ये तो मेरी वीडियो से आपको फ़ायदा होगा कि आपके इंटरव्यू की तैयारी हो जाएगी और आपका नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, साथ प्रेस बेल आइकन कर दें ताकि फेज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक थ्री फेज रोटेशन टेस्टेड मीटर है, दूसरा मेरे पास एक करंट मीटर है, क्लैंप मीटर जिसे हम कहते हैं, इससे हम करंट की पैमाइश करेंगे और इसके इसके वोल्टेज की पैमाइश करेंगे, लिहाजा फेज आ रहा है। तो अब हम इसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जैसा कि देख रहे हैं कि अब ये सीधा घूमना शुरू हो गया है और अब मैं इसको उल्टा घुमाता हूँ, ठीक है, अभी उल्टा घूमना शुरू हो गया है। हमने इसको चेक कर लिया, मैं इसका करंट भी चेक कर लेता हूँ। इसको मैं करंट पर रखूँगा और एक वायर में कुछ इस तरह से लगा दूँगा। तो इस वक्त ये करंट ले रहा है 0.2 एम्पीयर करंट ले रहा है, ठीक है। तो अब मैं इस तरह इसका थ्री फेज रोटेशन टेस्टर मीटर से डिफाइन करूंगा, ये उल्टा घूम रहा है या सीधा घूम रहा है। देखने से पता लग जाता है क्लॉकवाइज घूम रहा है, लेकिन फिर भी टेक्निकली अगर इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, इन चीज़ों का सीखना चाहिए। तो अब मेरे पास हैं तीन प्रॉप्स हैं हमारे पास, रेड, ग्रीन और येलो। रेड, ग्रीन, येलो को मैंने, रेड को मैंने इस टर्मिनल पर लगाया और ग्रीन को मैंने इस पर लगाया। तो अभी इस वक्त जो है ना, यू और डब्ल्यू, वी और डब्ल्यू ग्लो कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त क्लॉकवाइज नहीं बता रहा। और जैसे ही मैं इसको न्यूट्रल के साथ जोड़ूंगा तो ये मुझे बता देगा ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। यानी कि वो बता रहा है कि ये वाला जो टर्मिनल है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज है और इस वक्त ये घूम रहा है, ये बीप इसकी चेंज हो गई है। इसका मतलब ये बता रहा है कि इस वक्त ये क्लॉकवाइज ही घूम रहा है। तो अब मैं इसके टर्मिनल कनेक्शन को चेंज करता हूँ। तो अभी ये कंडीशन आप देखेंगे, इस वक्त ये बता रहा है कि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब मैं इसका फेस वायर को शिफ्ट करता हूँ इस साइड पर, और जैसे ही मैं फेस वायर को इस साइड पर शिफ्ट करूँगा तो ये मुझे एंटी क्लॉकवाइज बताना शुरू कर देगा। अब ये वाला टर्मिनल याद रखना कि ये जो दोनों तीनों प्रॉप्स हैं, ग्रीन, रेड को मैंने ग्रीन को इधर जोड़ा, रेड को इधर जोड़ा और येलो को न्यूट्रल पर जोड़ा। तो मैं बस इसका फेस चेंज करूँगा और देखना ये एंटी क्लॉकवाइज बताना शुरू कर देगा। तो सबसे पहले मैं ऑफ कर दूं, बहुत ही इख्तियार से मैंने इस वक्त इसका मेन सप्लाई ऑफ कर दिया है, बहुत इख्तियार से, बिल्कुल ऑफ है। मैंने ब्रेकर्स यूज़ किए हैं, अर्थली की सर्किट ब्रेकर, सेफ्टी का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब मैंने इसका फेस चेंज कर दिया है, तो अब मैं इसके मेन ब्रेकर को ऑन करता हूँ। जी, मैंने ऑन कर लिया, मैंने ग्रीन रेड बात की थी, ग्रीन और रेड मैंने जैसे ही लगाया और ये लगाया तो वो एंटी क्लॉकवाइज बताना शुरू हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। ये देखें, ये इस वक्त ये लाइट ग्लो कर रही है। इसको मैं ज़्यादा देर लगा नहीं सकता क्यों ना कि इसकी कुछ टाइमिंग होती है, 10 मिनट तक इसे कंटिन्यूसली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने आपको दिखा दिया ये एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू हो गया। तो इस वक्त पंखा भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो जैसे ही मैं इसके साथ फेस इसका शिफ्ट करता हूँ, बहुत इख्तियार से कीजिएगा आप एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इसके क्रॉस 400 वोल्ट आते हैं।
अब वो देखें, अब मैंने जैसे ही फेस चेंज किया तो ये क्लॉकवाइज बताना शुरू कर दिया कि इस वक्त ये पंखा हमारा क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो इसके अंदर 400 वोल्ट देखने हैं, हमने तो इसको 220 वोल्ट दिए हैं। तो जैसे ही मैं इसके ब्रेकर को ऑन करता हूँ ये ऑन हो जाता है। और अब हम इसके क्रॉस वोल्टेज चेक करते हैं, जैसे कि जैसे ही मैंने इसमें लगाया तो आप देख लें कि कैपेसिटर के क्रॉस इतने वोल्टेज आते हैं। अक्सर इंटरव्यू में बात की जाती है कि जो कैपेसिटर होता है सीलिंग फैन में, कोई भी मोटर हो गया सिंगल फेज की, उसके कैपेसिटर के क्रॉस कितने वोल्टेज आते हैं। तो 400 425, इसका मतलब कि इसके अंदर दो फेजेस हैं जो कि रनिंग और स्टार्टिंग को मुख्तलिफ फेजेस हैं, जिनके अंदर फेज डिफरेंस 45 डिग्री का है। और इस ये जो वाइंडिंग है इसके अंदर टू वाइंडिंग होती है, एक होती है रनिंग और एक होती है स्टार्टिंग। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर वोल्टेज आ रहे हैं 426 पॉइंट नहीं है, बिल्कुल 426 400 वोल्ट आप कह सकते हैं। तो मैंने तो इसको अब 220 दिए हैं, मैं इसको इसके मेन वोल्टेज चेक करा देता हूँ। तो ये आप देखें इसके जो मेन टर्मिनल हैं उसमें वोल्टेज आ रहे हैं 229, ठीक है 230, और इसके जो कैपेसिटर के क्रॉस आ रहे हैं वो आ रहे हैं 426। तो अब हम इससे अब इस तरह से हम इन इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके हम अपने बहुत इजीली डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये इक्विपमेंट ना हो, वोल्ट मीटर क्लैंप मीटर ना हो, तो हम कैसे हम टेक्निकली चीज़ों का हमें किस तरह पता लगे। तो आई होप कि मेरी वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ हो। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ही फील्ड की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद हों।